प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कैंप कार्यालय में, यहाँ निवास भी है पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव जी का। ये वही वीरपाल सिंह यादव हैं जिन्होंने बरेली में समाजवादी पार्टी को पाला पोसा और बड़ा किया था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आईं जिनकी वजह से पार्टी परिवर्तित करके आप प्रगतिशील मोर्चे में जुड़े हैं और उसके कर्ता धर्ता बरेली में है। आपकी कयादत में, आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में बरेली में मलखान सिंह यादव जी, डॉक्टर मोहम्मद खालिद पूर्व डिप्टी मेयर समेत सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं कार्यालय में। ज़ोर शोर से ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। हम बात करेंगे इस सिलसिले में वीरपाल सिंह यादव जी से, बात करेंगे डॉक्टर खालिद साहब से, बात करेंगे मलखान जी से कि आज के दिवस वो क्या कहना चाहेंगे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बर्थडे पर। आइए दिखाते हैं कार्यालय में क्या क्या हुआ है। कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर, प्रगतिशील बैनर दिखा रहा हूँ, कैंप कार्यालय वीरपाल सिंह यादव जी का आवास। और यहाँ पर कैंप कार्यालय में देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वीरपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, ज़बरदस्त चहल पहल है। और हम लेके चलते हैं आपको ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ, हम दिखाते हैं कैसे जोश के साथ लोग रक्तदान कर रहे हैं। देखिए ज्ञान यादव जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ पर बरेली के। ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यूथ कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। अशोक यादव जी 80 रक्तदाताओं का लक्ष्य लेकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शाम को केक भी कटेगा, 80 पाउंड 80 पाउंड का केक कटेगा। एक सेकेंड, क्या नाम है साहब? मेरा नाम ठाकुर संतोष सिंह। ठाकुर संतोष सिंह, संतोष सिंह जी, ये ठाकुर संतोष सिंह जी हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? अशोक यादव। अशोक यादव साहब, क्या नाम है साहब? राहुल कश्यप। राहुल कश्यप जी हैं। भाई देखिए बहुत उत्साह से भरे कार्यकर्ता, क्या नाम है साहब? सुधाकर। देखिए सुधाकर जी हैं और यहाँ पर जोश खरोश के साथ रक्तदान का कार्यक्रम। आज के दिवस क्या कहना चाहेंगे माननीय नेताजी के बर्थडे पे? नेताजी देश के पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों और नौजवानों की आवाज़, उनका असीमा जन्मदिन है और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि उन्हें बहुत जीवन दे जिससे कि ये संघर्ष हम लोग और आगे तक ले जा सके। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। अब तक लगभग 72 लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। लक्ष्य हमारा है 80 के पार करना, क्योंकि उनका 80 वर्ष की उम्र है, इसलिए कम से कम 80 लोग तो ब्लड डोनेशन करेंगे ही। और उसके बाद शाम को हम 80 किलो का केक कटवाएंगे और सबको भोजन करवाएंगे। आप भी आइए। माननीय वीरपाल जी, क्या कार्यकर्ताओं को आज के दिवस संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि नेताजी का अनुसरण करें और कमज़ोर लोगों को, दलित, पिछड़े, मुसलमान, नौजवान, इनका हर समय सहयोग के लिए तत्पर रहें। थैंक यू। देश बरेली सर, क्या करना चाहेंगे आज के दिवस माननीय नेताजी के बर्थडे पर? नेताजी का जन्मदिन हम लोग 80वां जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अभी इस समय जो है रक्तदान का कैंप लगा हुआ है, रक्तदान हो रहा है और कम से कम 80 लोग रक्तदान करेंगे, उससे ज़्यादा भी रक्तदान हो सकता है। आज के दिवस, आज का दिवस मैं कहना चाहूँगी कि सारा आप दिख रहा है, सारा माहौल आपको यहाँ पर बड़ा जोश से काम चल रहा है और जो हमारा मतलब नेताजी का 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसका बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं युवा, और हमारी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन अब शाम को और आपको सारा साक्षात देखने को मिलेगा और कार्यक्रम भी है यहाँ पर। और मैं समझती हूँ कि इस बार का जो ये बर्थडे है नेताजी का, सामान्य सांसद वीरपाल जी के सहयोग से या उनके सब उसके माध्यम से बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और सब खुश है हमारे युवा साथी हम लोग।